तो आज मैं आप सभी लोगों को एक पनौती फोन से मिलाने वाला हूं, और ये पनौती फोन क्यों है ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मेरे पास एक आया है वीवो का V15 मॉडल, इसी में एक आता है वीवो V15 Pro। फर्क सिर्फ ये रहता है कि फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के ऊपर आता है, उसमें OLED डिस्प्ले लगा रहता है। इसका जो डिस्प्ले है इसमें क्या है कि इसका डिस्प्ले ऊपर से पत्थर रहता है, और वीवो V15 Pro में नीचे यहाँ साइड में पत्थर रहता है। अब ये पनौती क्यों है इसका रीज़न आप पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो इस फोन को अगर आपको बनने के लिए आता है तो बहुत ही सावधानी से इसको ओपन करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बनाते मतलब आया रहता है किसी और प्रॉब्लम के लिए, और जब हम बनाते हैं तो कोई और प्रॉब्लम उसमें आ जाता है। मतलब एक बनाएंगे दूसरा आएगा, दूसरा बनाएंगे तीसरा प्रॉब्लम आएगा, तीसरा बनाएंगे चौथा प्रॉब्लम आएगा, मतलब प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होता, ऐसा है ये फोन। अब क्या क्या होता है पहले देख लीजिए। सबसे पहला प्रॉब्लम, जब इस ढक्कन को आप ओपन करते हो तो इसमें क्या होता है, एक तो इसमें नट जो है छोटे मोटे दिए रहते हैं, तो नट का तो कोई इशू नहीं है, हालांकि जो जानकार है वो नट आसानी से टाइट कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इसका जो OLED का जो वीवो V15 Pro है उसमें क्या होता है कि जो पत्ता रहता है एकदम कॉम्बो का पत्ता एकदम यहाँ पास से दिए रहते हैं, और पास से दिए रहना वो भी चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसको कवर नहीं करते हैं, मतलब कि ये जो दिया है इसका प्लेट इसके ऊपर से पत्ता दिया रहना चाहिए, मतलब प्लेट उसको कवर करके रखे ताकि सेफ्टी रहे, अंदर ढका रहे। बट उसने क्या कर कंपनी क्या किया है कि इसको बाहर से कर दिया है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को इसमें डाल के इसको आप निकालोगे ऐसे करके तो ये पत्ते को काट देगा। मतलब कोई भी चीज़ इसमें घुसा के सोचोगे निकालने के लिए, अगर आपको पता नहीं है पहली बार कर रहे हो तो तुरंत पत्ता कट जाएगा। बाकी फोनों में थोड़ा कम समस्या है, इसमें सीधा डिस्प्ले का पत्ता कट जाएगा। अब मेन पत्ता वगैरह कटना है तो चलो सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, डिस्प्ले का पत्ता कट गया मतलब खत्म। OLED डिस्प्ले बहुत महंगा आता है, पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक कंपनी ने क्या किया, बाकी फोनों में क्या होता है जब बैटरी आप निकालते हो तो मेन पत्ता जो बीच में रहता है तो वो तो सही सेफ रहता है और आसानी से बैटरी निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि मेन पत्ते के ऊपर ही बैटरी ग्लू डाल के चिपका दिया गया। मतलब आप बैटरी उखाड़ो अगर ध्यान नहीं दिए तो सीधा पत्ता भी साथ में उखड़ जाएगा, और पत्ता उखड़ने के बाद पत्ता गया, और गलती से पत्ता के साथ साथ इसका जो नीचे कनेक्टर लगा वो भी उखड़ गया, तो फिर और लॉस। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किए होगा आपको अच्छे से पता होगा, अगर ये प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा तो वीवो V15 Pro में एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि बैटरी जब निकालते हैं तो मेन पत्ता मान लो जो टूट दिए आप, चाहे किसी कारणवश मेन पत्ता चेंज करना, क्योंकि इसका पता चार्जिंग कनेक्टर मेन पत्ते का बहुत दिक्कत जाता है, आगे चल के मेन पत्ता डैमेज हो जाता है, कनेक्टिंग प्रॉपर होना होता नहीं है, सी टाइप में जैसे हम लोग जैम्पर करते हैं नीचे से ऊपर बोर्ड में तो जैम्पर करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपको मेन पत्ता चेंज करना है तो मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मेन पत्ता मार्केट का डालने से फोन का पूरा पत्ता हीट होने लगता है, अचानक से फोन को डेड कर देता है, या फिर स्पीकर नहीं बज रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम, मतलब इसका मेन पत्ता भी ओरिजिनल सही प्रकार का नहीं मिलता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम जाती है। इसके बाद से क्या होता है कि मान लीजिए कि मेन पत्ता वगैरह सब सही है, इस फोन के अंदर अचानक से स्पीकर का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब स्पीकर बजना बंद हो जाता है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं कि आपका सीधा स्पीकर बजना बंद होगा तो स्पीकर चेंज कर दोगे मेन पत्ता चेंज कर दोगे सही हो जाएगा, नहीं, सीधा सीधा पूरा IC का काम मांगता है, मतलब IC ही डैमेज हो जाती है। मेरे पास 3-4 बार ऐसा हो चुका है वीवो V15 Pro में कि उसका स्पीकर बजना अचानक से बंद हो गया और वो IC वगैरह भी चेंज करके देखा फिर भी नहीं बना, उसमें कुछ CPU से लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो एक एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि इसका जो स्पीकर इसका जो माइक है वो एकदम चार्जिंग पिन के बिल्कुल पास है, मतलब चार्जिंग पिन के जस्ट बाजू में है, और आपको पता है कि कितना जल्दी ख़राब होता है, मतलब इतना पास है कि आप उसको टेप से कवर करके भी करोगे तो बहुत मुश्किल जाएगा, चार्जिंग पिन के एकदम सटा दिया है माइक, तो चार्जिंग पिन चेंज करना भी सबसे बड़ा टास्क है कि चार्जिंग पिन चेंज करोगे तो माइक भी जाएगा। तो इस फोन के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं हैं, इसलिए मैं इस फोन को पनौती फोन बोलता हूं। अगर आपके पास ये फोन आया होगा और आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके पास ये फोन आता है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वीवो V15 Pro कभी भी आपके पास फोन आए तो बहुत ही सावधानी से काम करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।